आज फिर से एक नया वीडियो के साथ। आज मैं मैदा ले लिया। आज मैं बालू शाही बनाने वाली हूँ। और सबसे पहले मैदा को थोड़ा सा मैरिनेट कर लेते हैं। बालू शाही बनाने के लिए मैंने इधर 300 ग्राम जितना मैदा लिया, थोड़ी सी नमक ले लेंगे एक चिमटी, और मैंने इधर एक बाटी लिया। ये बाटी का मैंने दो बाटी जितना मैदा लिया। आप कम ज़्यादा अपने ऊपर कर सकते हैं। अभी मैं इसमें घी ऐड कर लूँगी। आप घी में छानो या तेल में छानो, पर जब भी आप आटा रेडी करो उसमें घी जरूर डालें। ये 3 से 4 चम्मच घी डाला। घर में बना रहे खाने के लिए तो घी से बनाओ, थोड़ा अच्छा भी है, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। घी मैंने ऐड कर दिया। इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी बेकिंग सोडा, एकदम थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। एकदम थोड़ा सा। अभी इसमें और कुछ नहीं ऐड करना है। अभी आटा को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैदा अच्छे से मिक्स हो गया। अभी इसमें पानी ऐड कर लूँगी मैं थोड़ा थोड़ा करके। पानी को इस तरह से ऐड करें क्योंकि इसको ना आटा गूंदना नहीं है, जस्ट इसके साथ अच्छे से मिक्स हो जाए, गोला बांधने लगे वो हिसाब से पानी ऐड करेंगे। घी और भरपूर डाला है मैंने, जस्ट आटा एक साथ इकट्ठे हो जाए वो हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। आटा को गूंदना बिल्कुल नहीं है तो लेयर अच्छा आएगा इस तरह से आटा जोड़ने से। आटे में मैंने इतना पानी डाला, मतलब अभी भी देखिए इस तरह से है। इसको ना खाली जस्ट मैं जोड़ रही हूँ, आटा जो थोड़े से ये मतलब टुकड़े टुकड़े हो गए वो इसको इस तरह से जोड़ लेंगे और इसको रख देंगे रेस्ट पे 10 से 15 मिनट। तब तक मैं चाशनी रेडी कर लूँगी। इस तरह से हुआ है, अभी इसको साइड पर रख देंगे रेस्ट पे। अभी हमने एक बर्तन ले लिया, इसमें चाशनी बना लेंगे। चाशनी में जो कटोरी में चीनी और आटा में रेडी किया उसी कटोरी का मैं आधा बार कटोरी पानी ले लिया। मीठा कम ज़्यादा अपने हिसाब से आप कर सकते हो। उसी कटोरी का माप का मैं चीनी ले लूँगी एक कटोरी। अभी मैं चाशनी बना लूँगी, गैस ऑन कर देते हैं। चीनी मैंने इधर चढ़ा दिया, पानी मैंने माप के हिसाब से डाल दिया। चीनी को अभी अच्छे से पिघलने देते हैं। चाशनी हमें बहुत ज़्यादा चिपचिपा नहीं चाहिए, मतलब मीडियम ऐसा मीठा हो जाए वो हिसाब से, तो चीनी को पिघलने देते हैं। चाशनी अच्छे से हो गई, इससे ज़्यादा इसको नहीं ठीक करेंगे। और इसमें मैं डालूँगी थोड़ी सी फूड कलर, आप अगर नहीं पसंद करते तो मत डालिए। आपके पास केसर है तो आप वो भी डाल सकते हैं। अभी इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ी सी इलायची पाउडर। अच्छे से हो गया, अभी गैस को ऑफ कर देंगे और इसको ढक के रख देंगे। थोड़ी सी फूड कलर में और डालूंगी, एकदम मैंने नाम के लिए डाला है, थोड़ा सा अच्छे से कलर आ जाए हल्का सा वो हिसाब से। अभी इसको ढक के रख देंगे और हम बालू शाही बना लेंगे। इसमें मैं डाल दूंगी, गैस ऑफ कर देते हैं। इसमें डाल दूंगी 2-4 बूंद लेमन का जूस, कि चाशनी अच्छे से एकदम चिकट ना जाए, इसीलिए लेमन का जूस। और आप लोगों को दिखाओ किस तरह से रेडी हुआ है, ये देखिए। ये जब ऐसा ठीक होके गिरने लगेगा ना, मतलब चाशनी एकदम रेडी है। अभी इसको रख देंगे। तो आटा हमारा अच्छे से सेट हो गया, इसको गूंदना नहीं है, कुछ नहीं है, थोड़ा थोड़ा लेंगे। इसके ना गूंदने से एक ही फायदा है कि इसमें ना इस तरह से लेयर आ जाएगा। ये अच्छे से हो गए सेट, अभी छोटे छोटे गोला बना लेंगे। इस तरह से गोल गोल बना लेंगे। आप छोटे बड़े अपने हिसाब से कर सकते हो। और इसको थोड़ा सा चपटा कर देंगे। होल करने के लिए मेरे पास बेलन है, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा मोटा हो जाएगा, इसलिए मैं ये इससे बीच में होल कर रही हूँ। और उंगली से करते हैं ना फिर वो आर पार नहीं होता है, तो इस तरह से आप होल करके बाद में आप उंगली से भी कर सकते हैं। थोड़ा सा मीडियम रहेगा ना तो अच्छा लगेगा, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह से मैं बना लूँगी। उसके बाद कढ़ाई में तेल चढ़ा देंगे गर्म होने के लिए। इसको दबाना नहीं है, प्रेस नहीं करना है, जस्ट गोला बनाना है। थोड़ा सा हाथ से प्रेस करें और बीच में से होल कर ले। आपके पास दूसरा इससे मोटा वाला कुछ है होल करने के लिए तो आप उसमें भी कर सकते हैं। इस तरह से होल कर लेंगे। तो हमने बालू शाही बनाने के लिए अच्छे से इस तरह से रेडी कर लिया, होल कर लिया। तेल भी मैंने गरम चढ़ा दिया, तेल हल्का सा गरम हो गया। एक एक करके पहले डाल देंगे। तेल को
गर्म होने के बाद गैस को एकदम मीडियम रखें, नहीं तो एकदम से लाल हो जाएगा, अंदर कच्चा रह जाएगा। इसको मीडियम गैस पे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मैंने 5 डाल दिया, इसको होने देते हैं। गैस को एकदम मीडियम रखें, एकदम से लाल ना करें, धीमी आंच पे ना, अच्छे से फ्राई हुआ तब जाके एकदम क्रिस्पी बनेगा। इसको होने देते हैं। तो हमारे बालों से अच्छे से फ्राई हो रहा है, देखिए ये अच्छे से ऊपर आ गया। अब इसको पलटी कर लेंगे, दोनों तरफ से थोड़ा सा अच्छे से गोल्डन कलर आ जाए वो हिसाब से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद इसको चाशनी में डुबाना रहेगा, इसको अच्छे से होने देते हैं। गोल्डन कलर हो गया, अभी मैं इसको निकाल लूंगी और चाशनी में डाल देंगे। बाकी दूसरी बैच का भी वो भी डाल देंगे, वो भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हल्का गरम है और ये भी हल्का गरम है, अभी हम इसको डुबो लेंगे। इसको ज़्यादा टाइम रखेंगे नहीं, 5 से 6 मिनट रख के फिर निकाल लेंगे। अच्छे से हमारे जो चाशनी है अच्छे से पी जाए, फिर इसको निकाल लेंगे। तो गाइस आज मैंने बनाया हलवा स्टाइल में बालूशाही। क्या बालूशाही? क्या बालूशाही? हाँ, एक मिठाई है, देखने में तो बहुत टेस्टी, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, पहले आप खाओ। नहीं नहीं, खाओ ना, उंगली नीचे खाओ। अच्छा अच्छा गरम बाबू, इसका चाशनी देखिए एकदम अंदर तक ना, और इतना सॉफ्ट हुआ है, एकदम मस्त, इतना सॉफ्ट है। तभी मैंने जो सबसे खाया था, ज़्यादा नहीं खाएंगे आप तो, सब लोग मोटे हो जा रहे बोल रहे हैं ना, तो कम खाएंगे। तो गाइस आप लोगों को अगर हमारा ये बालूशाही का रेसिपी अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताएगा वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है। और एक और कल है बॉम्बे में महाराष्ट्र लोगों का नया साल गुड़ी पड़वा, तो मेरे हमारे सभी की तरफ से सबको हैप्पी गुड़ी पड़वा। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए बाय, गुड नाइट, फिर मिलेंगे नया वीडियो के साथ।